हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जैसे कि आप देख सकते हैं, मैं आप लोगों के लिए इंग्लिश पैडागॉजी का चैप्टर 8 लेके आई हूँ, जो कि है चैलेंजेस ऑफ टीचिंग लैंग्वेज इन डाइवर्स क्लासरूम। इस वीडियो में हम इस टॉपिक को डिटेल में समझेंगे और साथ ही साथ ये समझेंगे कि इस टॉपिक से किस तरीके के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आए। इससे पहले मैंने ऑलरेडी 7 लेक्चर और अपलोड किए हैं। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो उन टॉपिक्स को भी जरूर देखें। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और एक एक टॉपिक को डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। पहला पॉइंट आप लोगों के सामने है, इंडिया इज अ लैंड ऑफ डाइवर्स लैंग्वेजेस। इंडिया एक ऐसी जगह है जहाँ पे डाइवर्स लैंग्वेजेस बोली जाती हैं एंड मेजॉरिटी ऑफ इंडियन यूज अ नंबर ऑफ डिफरेंट लैंग्वेजेस। यहाँ पे जो मेजॉरिटी ऑफ इंडियंस हैं वो अलग अलग तरीके की भाषाएं बोलते हैं। देखिए नेक्स्ट पैराग्राफ में यहाँ पे लिखा है, क्लासरूम इज ऑलवेज अ चैलेंज फॉर टीचर। क्लासरूम हमेशा से टीचर के लिए एक चैलेंज बना हुआ है, एक संघर्ष बना हुआ है। इसका क्या कारण होता है? क्योंकि क्लासरूम में जब टीचर स्टूडेंट्स को पढ़ा रही होती है तो वो एक ही तरीके की भाषा बोलने वाले स्टूडेंट नहीं होते। वहाँ पे अलग अलग तरीके के, अलग अलग जगह से आए हुए बच्चे होते हैं। टीचर्स को ये देखना होता है कि सारे स्टूडेंट की नीड फुलफिल हो रही है या नहीं हो रही, तो इसलिए टीचर को क्या होना चाहिए, वेल प्रिपेयर होना चाहिए। आगे लिखा है, टीचर शुड बी वेल प्रिपेयर टू फेस ऑल चैलेंजेस। टीचर को वेल प्रिपेयर होना चाहिए ताकि वो सारे के सारे चैलेंजेस को फेस कर सके। दे विल मीट इन देयर वर्क, जो भी उसके काम के बीच में आ रहा है। चलिए अब ये जानते हैं कि कौन कौन से ऐसे चैलेंजेस होते हैं जो टीचर को फेस करने पड़ते हैं ड्यूरिंग टीचिंग। देखिए आगे आप यहाँ देख सकते हैं, मैंने चैलेंजेस को डिटेल में एक्सप्लेन किया है। सबसे पहले मैंने टॉपिक लिखा है मेजर चैलेंजेस ऑफ टीचिंग इंग्लिश। क्या क्या चैलेंजेस हो सकते हैं? पहला और सबसे बेसिक चैलेंज होता है ओवर क्राउडेड क्लासरूम। देखिए जो आपका बेस्ट रेशियो माना जाता है वो है 30:1। 30:1 का रेशियो का मतलब है एक टीचर के साथ आपके 30 स्टूडेंट। ये एक बेस्ट रेशियो माना जाता है क्लासरूम का। बट कई कई जगह पे आप ये रेशियो बिगड़ता हुआ देखेंगे। कई जगहों पे तो आप देखेंगे कि 40-50 स्टूडेंट को एक ही टीचर पढ़ा रही है। इससे होगा क्या, टीचर की इफेक्टिवनेस कम हो जाएगी। यहाँ पे लिखा है जनरली रिड्यूस द टीचर्स एबिलिटी टू टीच इंग्लिश। यानी कि इससे क्या होगा, ओवर क्राउडेड क्लासरूम से ये होगा कि टीचर्स की जो एबिलिटी है इंग्लिश पढ़ाने की वो रिड्यूस हो जाएगी और वो पर्सनलाइज अटेंशन नहीं दे पाएगी एंड पे पर्सनलाइज अटेंशन टू द लर्नर। यानी कि अगर वो पर्सनलाइज अटेंशन नहीं देंगी, अगर 40-50 क्लासरूम बच्चों की एक क्लास है जिसमें बच्चों को डाउट भी आ रहे हैं, तो वो 30-40 मिनट के जो पीरियड होते हैं उसमें वो अपने डाउट क्लियर नहीं कर पाएंगे, जिससे उनके जो डाउट हैं वो उनकी लर्निंग में एक तरीके से हिंडर करेंगे और जिस तरीके से उनकी लर्निंग उतनी इफेक्टिवली नहीं हो पाएगी जितनी इफेक्टिवली होनी चाहिए। अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, जो कि है लैक ऑफ स्टडी मटेरियल। आप यहाँ पे देख सकते हैं, लैक ऑफ स्टडी मटेरियल का मतलब है इंग्लिश लैंग्वेज या फिर कोई भी और लैंग्वेज पढ़ाने के लिए कुछ बेसिक स्टडी मटेरियल चाहिए होते हैं, जैसे कि सबसे पहले टेक्स्ट बुक, नोटबुक। अब ये सब चीज़ें तो बहुत बेसिक हैं। अब कई कई जगहों में इंडिया में, जैसे कि रिमोट एरिया हो गए, विलेजेस हो गए, इन जगहों पे ये सब चीज़ें अवेलेबल आज के टाइम में भी नहीं होती। यहाँ पे लिखा है इट्स अनदर चैलेंज फॉर इंग्लिश टीचिंग इन इंडिया, स्पेशली इंडिया के रिस्पेक्ट पे बात करी जा रही है कि एक तरीके का मेजर चैलेंज है कि कई कई जगहों पे अभी भी स्टडी मटेरियल उतनी अच्छी तरीके से नहीं पहुंचा है। और अगर स्टडी मटेरियल ही नहीं पहुंचा है तो टीचर की इफेक्टिवनेस भी कम हो जाती है। कुछ और इम्पॉर्टेंट पॉइंट समझते हैं मेजर चैलेंजेस के। नेक्स्ट पॉइंट है फॉल्टी रीडिंग हैबिट्स। ये जो स्टूडेंट के अंदर फॉल्टी रीडिंग हैबिट होती है, ये भी टीचर के लिए एक तरीके का मेजर चैलेंज होता है जो कि इनकी लर्निंग को हिंडर करता है। देखिए
अगर स्टूडेंट गलत चीजों को रीड करेंगे या फिर गलत रीड करेंगे तो इससे क्या होगा, उनकी स्पीकिंग स्किल, उनकी राइटिंग स्किल, सारी की सारी जो स्किल होती है बेसिक, उन सब पे फर्क पड़ेगा और बच्चा उस लैंग्वेज को नहीं सीख पाएगा। यहाँ पे लिखा है अमंग लर्नर पॉजेस अ मेजर चैलेंज फॉर टीचर, यानी कि जो स्टूडेंट होते हैं, जो लर्नर होते हैं, वो भी एक तरीके का मेजर चैलेंज खड़े कर देते हैं उन टीचर के सामने जो वो लैंग्वेज उन्हें टीच कर रही है। यहाँ पे आगे लिखा है सम स्टूडेंट रीड बाय पुटिंग फिंगर ऑन द वर्ड्स, कुछ स्टूडेंट की आदत होती है कि वर्ड टू वर्ड वो फिंगर पुट करके पढ़ते हैं, जिसकी वजह से उनके कंसंट्रेशन भी हिंडर होती है, यानी कि भंग होती है, यानी कि वो टॉपिक पे कंसंट्रेट नहीं कर पाते, वो वर्ड टू वर्ड उन वर्ड्स को देख रहे होते हैं, उन वर्ड्स के सेंटेंसेस को भी वो अंडरस्टैंड नहीं कर पाते। अब जरा देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट क्या है। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे लिखा है स्कूल एनवायरनमेंट। देखिए, जो स्टूडेंट को अगर आप अलग अलग लैंग्वेज समझा रहे हो या फिर न्यू लैंग्वेज पढ़ा रहे हो, तो उसके लिए स्कूल का एनवायरनमेंट भी लर्नर फ्रेंडली होना चाहिए। यहाँ पे लिखा है इट शुड बी लर्नर फ्रेंडली, यानी कि सबसे पहले तो हमें चाइल्ड सेंटर एजुकेशन प्रोवाइड करनी है कि बच्चा ज्यादा से ज्यादा अपॉर्चुनिटी ले सके चीजें सीख सकने के लिए। उसके बाद यहाँ पे लिखा है द इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग नीड अ न्यू एंड फंडामेंटल एनवायरनमेंट। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर आपको इंग्लिश लैंग्वेज की टीचिंग करानी है तो इसके लिए हमें कन्वेंशनल तरीके को छोड़ना होगा, जिसमें हम लोगों को रोट मेमोराइजेशन कराई जाती है, ग्रामर को रटवाया जाता है, इस चीज को हटा के उनके यूज पे उनको ज्यादा फोकस कराना होगा। तो हम लोगों को एक नए और फंडामेंटल एनवायरनमेंट की जरूरत है, जो कि थोड़ा सा डिफिकल्ट है क्रिएट करने के लिए। नेक्स्ट पॉइंट आप लोगों के सामने है लर्नर्स एबिलिटी। ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट माना जाता है मेजर चैलेंजेस के अंदर। यहाँ पे लिखा है ऑल्सो अफेक्ट टीचिंग ऑफ इंग्लिश, यानी कि जो लर्नर की एबिलिटी होती है, अगर वो उतना एबल ना हो कि वो उस लैंग्वेज को समझ पाए, तो ये भी एक तरीके का चैलेंज बन जाता है टीचर के सामने। यहाँ पे लिखा है टू एडजस्ट वंस टीचिंग अकॉर्डिंग टू डाइवर्सिटी ऑफ लर्नर एबिलिटी, यानी कि टीचर को अपनी टीचिंग को एडजस्ट करना पड़ता है उनके लर्नर की एबिलिटी के अकॉर्डिंग। यानी कि अगर उनके क्लासरूम में कुछ ऐसे स्टूडेंट है जिनकी एबिलिटी तो है वो जल्दी से उस टॉपिक को समझ पा रहे हैं, और कुछ ऐसे स्टूडेंट है जिनको समझने में काफी टाइम लग रहा है, तो टीचर को क्या करना पड़ेगा कि टीचर को अपनी टीचिंग स्टाइल में ऐसे चेंजेस लाने होंगे, ऐसी एडजस्टमेंट करनी होंगी कि उनकी लर्निंग एबिलिटी तक वो रीच कर पाए, ताकि बच्चे ज्यादा से ज्यादा उस टॉपिक को समझ पाए। अब देखिए यहाँ पे लिखा है सम चिल्ड्रन सफर फ्रॉम क्रोनिक इलनेस, कुछ ऐसे स्टूडेंट होते हैं जिनको क्रोनिक इलनेस होती है। देखिए, दो तरीके के डिजीज होते हैं, एक होता है एक्यूट और एक होता है क्रोनिक। एक्यूट डिजीज वो वाले होते हैं जिनमें ज्यादा केयर की जरूरत नहीं होती, जो दो चार दिन में ठीक हो जाते हैं, और क्रोनिक डिजीज वो होते हैं जो लॉन्ग लास्टिंग डिजीज होते हैं, जैसे कि कैंसर हो गए, एड्स हो गए। अब ऐसे डिजीज को क्रोनिक डिजीज बोलते हैं, जिनका जो इफेक्ट होता है वो बहुत ज्यादा ड्रास्टिक होता है। अब यहाँ पे बता रखा है कि कुछ स्टूडेंट को डिसएबिलिटीज होती हैं, जैसे लर्निंग डिसेबिलिटी, राइटिंग डिसेबिलिटी, डिसकैलकुलेटर जिसमें कैलकुलेशन की डिसेबिलिटी होती है। तो इस तरीके से क्रोनिक डिजीजेस या फिर डिसेबिलिटी या फिर कुछ हैंडीकैप जो स्टूडेंट होते हैं, ये अलग तरीके की प्रॉब्लम सफर कर रहे होते हैं, तो इनके लिए टीचर को एक अलग तरीके का एनवायरमेंट क्रिएट करना होगा। अब समझते हैं नेक्स्ट पॉइंट, जो कि है एग्जाम ओरिएंटेड। देखिए, स्पेशली इंडिया की अगर मैं बात करूं, तो इंडिया में जो एजुकेशन सिस्टम है वो पूरा का पूरा एग्जाम ओरिएंटेड माना जाता है, यानी कि सिलेबस को इस तरीके से फ्रेम किया जा सकता है कि वो डायरेक्ट आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू के लिए इम्पॉर्टेंट हो, उसमें हम लोगों को कोई भी कंस्ट्रक्टिव लर्निंग नहीं दी जाती। देखिए यहाँ पे लिखा है इंग्लिश लैंग्वेज लर्निंग सिलेबस इज क्रिएटेड होली फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, यानी कि इंग्लिश लैंग्वेज लर्निंग का जो पूरा सिलेबस बनाया जाता है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू को फुलफिल कर सके। इसकी वजह से क्या होता है, देखिए, एज अ रिजल्ट द कंटेंट डज नॉट फोकस ऑन राइजिंग द लेवल ऑफ कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस, यानी कि हम लोग
पेपर को इस तरीके से सेट करते हैं या फिर सिलेबस को इस तरीके से सेट करते हैं कि वो एग्जामिनेशन ओरिएंटेड होता है, जिसकी वजह से जो कंटेंट होता है वो आपका फोकस नहीं कर पाता, बच्चों की कम्युनिकेशन स्किल यानी कि उनमें कॉम्पिटेंस लाने में फोकस नहीं कर पाते। अब देखते हैं इस टॉपिक से किस तरीके के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आए थे और आपको इस टॉपिक को किस तरीके से एग्जाम के लिए तैयार करना है। अब हम कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को समझते हैं जो इस टॉपिक पे बेस्ड थे। पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, व्हेन लर्नर हैव डाइवर्स लिंग्विस्टिक बैकग्राउंड द टीचर शुड, अगर जो टीचर के सामने जो लर्नर है वो अलग अलग लिंग्विस्टिक बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं तो टीचर को क्या करना चाहिए। ये क्वेश्चन सीटीईटी सितंबर 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है। जरा ऑप्शन पे नजर डालते हैं। पहला ऑप्शन है असर्टेन देयर टीचिंग स्टाइल, सॉरी लर्निंग स्टाइल। टीचर को क्या करना चाहिए कि उनके लर्निंग स्टाइल को समझना चाहिए कि वो किस तरीके से चीजों को लर्न कर रहे हैं। नेक्स्ट है फॉर्म ग्रुप इन अकॉर्डेंस विद देयर लिंग्विस्टिक बैकग्राउंड, यानी कि टीचर को ग्रुप बना देने चाहिए उनके लिंग्विस्टिक बैकग्राउंड के अकॉर्डिंग, यानी कि जो एक जैसी भाषा बोलते हैं उनका एक ग्रुप और जो अलग भाषाएं बोलते हैं उनका अलग ग्रुप। नेक्स्ट पॉइंट लिखा है यूज मल्टीलिंगुअल अप्रोच, टीचर को क्लास में मल्टीलिंगुअल अप्रोच को यूज करना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट लिखा है स्टार्ट द क्लास विथ ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन। इस क्वेश्चन में जो पहला दो ऑप्शन है ये तो इनकरेक्ट है। अगर हम थर्ड और फोर्थ ऑप्शन में नजर डालें तो मल्टीलिंगुअल अप्रोच तो टीचर को यूज करनी चाहिए, पर सबसे बेस्ट ऑप्शन जो इस क्वेश्चन का बैठेगा कि टीचर को क्लास स्टार्ट करते हुए ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन से क्लास को स्टार्ट करना चाहिए, जिससे टीचर को एक आइडिया लग जाएगा कि उसके क्लास में जो स्टूडेंट बैठे हैं, जो लर्नर बैठे हैं, वो लिंग्विस्टिक बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं, ताकि टीचर उसी तरीके से उन्हें पढ़ा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रेकमेंड द थ्री लैंग्वेज फॉर्मूला। ये क्वेश्चन दे रखा है कि इनमें से किसने थ्री लैंग्वेज फॉर्मूला को रेकमेंड किया था। थ्री लैंग्वेज फॉर्मूला था क्या? ये एक तरीके का कमीशन था जिसमें हमें बताया गया था कि हमें स्कूल में तीन अलग अलग लैंग्वेज बच्चों को पढ़ानी है। जैसे अगर मैं इंडियन क्लासरूम की बात करूं तो हमें हिंदी और इंग्लिश तो पढ़ाया जाता है, थर्ड लैंग्वेज जैसे संस्कृत, फ्रेंच, पंजाबी, ये लैंग्वेज भी हमें क्लासरूम में इंट्रोड्यूस करने को बोला था ताकि बच्चा ग्लोबलाइजेशन में पार्ट ले सके और ज्यादा से ज्यादा उसे बेनिफिट हो फ्यूचर में। तो ये जो थ्री लैंग्वेज फॉर्मूला है ये किसने रेकमेंड किया था? ये कोठारी कमीशन 1966 में रेकमेंड किया था। ये क्वेश्चन सीटीईटी फरवरी 2015 का क्वेश्चन है। अब ये आपका काम है कि बाकी पॉलिसीज के अंदर क्या क्या चीजें दी हुई थी, क्योंकि इन पॉलिसीज से भी क्वेश्चन आ सकते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का। जरा देखिए ये क्वेश्चन है, द नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 एडवोकेट डैट अ लर्नर इज अ, यानी कि जो नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क है 2005, इसमें लैंग्वेज लर्नर को क्या माना गया है। पहला ऑप्शन दिया हुआ है रिसीवर ऑफ लैंग्वेज, यानी कि वो लैंग्वेज को रिसीव करता है। नेक्स्ट पॉइंट दे रखा है प्रोड्यूसर ऑफ लैंग्वेज, वो लैंग्वेज को प्रोड्यूस करता है। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट है यूजर ऑफ ग्रामेटिकल रूल और लास्ट है कंस्ट्रक्टर ऑफ नॉलेज। इसमें से जो बेस्ट ऑप्शन होगा वो ऑप्शन है फोर्थ ऑप्शन, जो कि है कंस्ट्रक्टर ऑफ नॉलेज, यानी कि बच्चा किसी भी लैंग्वेज को लर्न करके एक नॉलेज को कंस्ट्रक्ट कर सकता है। देखिए अगर कोई भी चीज लर्न कर रहा है तो वो रिसीव तो करेगा करेगा, तो रिसीव करना कोई ऐसा सच इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है। इसमें यहाँ पे बता रखा है यूज ऑफ ग्रामेटिकल रूल, ग्रामेटिकल रूल को यूज करना तो सीखेगा ही सीखेगा, बट वो एक नई नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करेगा। तो इसमें लास्ट ऑप्शन बेस्ट ऑप्शन बनता है इस क्वेश्चन का। इस वीडियो में मुझे इतना ही डिस्कस करना था। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब बने करें। बाय बाय, टेक केयर।